Hello kids, this is your mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by BrainRoot Class 5. So today we are doing Chapter 1, that is Memory of the Computer. So in this chapter we will talk about memory. इस chapter में हम किसकी बात करेंगे? Computer की memory के बारे में, कि जो भी informations हैं, instructions हैं, data है, कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर में, कैसे उसको हम यूज करते हैं. सो लेट स्टार्ट. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट इज डेटा, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा स्टोरेज यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. सो बिफोर वी बिगिन, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो. सम वर्ड्स गिवन वी हैव टू राइट इट प्रॉपरली. द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी इट इज मेमोरी. The second one, it is store, store. Okay, now the third one, how we can write it? It is dahrkist. So this is hard disk. This is hard disk. Fine. Now the fourth one, it is nep, like this. So it is pen drive. It is pen drive. And here it is given DDV. So it is DVD. And it is DC. It is CD. Okay. So it's very easy and interesting. Now let's start. Memory helps you remember your past, retain new skills which you are learning presently, and plan for your future. मेमोरी से हम क्या करते हैं? अपना पास्ट याद रहता है, व्हाट वी हैव डन, और जो हम लर्न कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो हमारे माइंड में क्या स्टोर हो जाता है और हम अपने फ्यूचर के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. सो लाइक वाइज कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ मेमोरी विच प्लेज द सेम रोल वेदर यू वॉन्ट टू ओपन ए 2 hour मूवी फाइल, 2 page वर्ड फाइल और अ पेंट फाइल. ऐसे ही कंप्यूटर के पास मेमोरी है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई मूवी चलाने के लिए, अपनी कोई वर्ड फाइल ओपन करने के लिए, कोई पेंट फाइल ओपन करने के लिए. सो द सेम वे कंप्यूटर हैज़ द मेमोरी. सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी. नाउ द फर्स्ट इज, व्हाट इज डेटा. आपने मैथ्स में भी किया होगा डेटा, लाइक हम करते हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर. आई होप यू हैव डन. अगर नहीं किया है सो लेट सी व्हाट इज डेटा. द सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज नोन एज डेटा. जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लाइक कुछ भी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास and marks obtained by students in a class, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, टीचर एक लिस्ट बनाती है. सो इट मीन्स वॉट? दैट इज डेटा. सो द सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज नोन एज डेटा. हम अपनी लोकेलिटी में एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ईच फैमिली. सो दैट इज वॉट? That is the number of children in each family means numerical facts we are collecting. तो वो भी किसकी form में है? Data की form में है. So when this data is processed by the processing unit, it becomes useful and is known as information. जब हम इसको एक sequence में arrange करेंगे तो ये हमारे लिए एक useful information बन जाएगी, right? So, therefore, you can say that data is collection of unorganized facts and figures, and processed data is known as information. जो हमने अभी organize नहीं किया, ऐसे ही randomly हमने collect कर ली, like number of students in section of 6th class or in 5th class. So, that is what? That is the raw facts. वो data है. फिर उसको हमने एक arrange किया in a systematic order. तो हमारा क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन. फाइन. सो नाउ कंप्यूटर मेमोरी. एवरी कंप्यूटर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी.
computer memory is a storage location in a computer that holds data and instructions for processing. कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज कलेक्शन है, एक लोकेशन है जहाँ पे हम अपना सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं और फिर आगे इसको यूज़ करते हैं. देन द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सीपीयू. प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू. द सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इट रिसीव्स थ्रू द इनपुट यूनिट्स एंड स्टोर्स इट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. CPU सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करता है, उसको प्रोसेस करता है. देन डेटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेनेवर नीडेड. और जब हमें डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसे कंप्यूटर मेमोरी से लेकर यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए. राइट नाउ डेटा स्टोरेज यूनिट्स. अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट. That is in the form of zeros and ones, where zero represent the off state and one represent the on state of signals. जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर होता है वो जीरो और वन की फॉर्म में होता है. टू डिजिट्स, जीरो एंड वन. जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन. सो दीज टू डिजिट्स, जीरो एंड वन, आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. द डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. तो जो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है. और उसको मेजर हम कैसे करते हैं? बाइट्स में. जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर में, या वेट को मेज़र करते हैं केजी या ग्राम में, ऐसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? दैट इज़ मेजर्ड इन बाइट्स, BYTES. ओके, सो 8 bits, अगर 8 bits हैं तो इट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 1 byte एंड 1024 bytes इक्वल्स टू 1 kilobyte. इट मीन्स किलोबाइट इज़ बिगर देन bytes. फिर 1024 किलोबाइट है, इट मेक्स 1 megabyte. यानी मेगाबाइट जो है वो किलोबाइट से बड़ा है. एंड इफ यू टेक 1024 मेगाबाइट तो ये बन जाता है 1 gigabyte. यानी गीगाबाइट इज बिगर देन मेगाबाइट. एंड 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 terabyte. तो टेराबाइट गीगाबाइट से भी बड़ा है. Then 1024 terabyte equals to 1 petabyte, right? And then 1024 petabyte equals to 1 exabyte. And 1024 exabyte equals to 1 zettabyte, जिसको हम capital Z and B. देखो ये सब capital लिखना है आपने. Kilobyte है तो capital KB, megabyte है तो capital MB, gigabyte है तो capital GB, टेराबाइट है तो कैपिटल टी बी, ऐसे ही पीटाबाइट है तो कैपिटल पी बी, एंड देन एग्जाबाइट है तो कैपिटल ई बी, देन जीटाबाइट है तो कैपिटल जी बी, एंड 1024 जीटाबाइट इक्वल्स टू 1 yottabyte, यानी 1 YB. ठीक है, तो आपने ये जो यूनिट्स लिखने हैं देन यू हैव टू बी केयरफुल. अगर उसको हम रॉन्ग लिख देते हैं, सपोज हमने उसको लिख दिया capital K and small b, so this term is wrong. Okay, so you have to be very careful. I hope it's clear to you. Okay, chalo, let's start. Types of computer memory. Now there are 2 types of computer memory. The one is primary and the second is secondary. तो 2 type की memories होती हैं हमारे पास. एक होती है primary और एक होती है सेकेंडरी. अब कंप्यूटर मेमोरी, एक टेबल इन्होंने शो किया है हमारे पास. कंप्यूटर मेमोरी को हमने 2 parts में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स इंटरनल, जो कंप्यूटर के अंदर है, एंड सेकेंडरी मीन्स एक्सटर्नल, जो हम बाहर स्टोर कर सकते हैं. सो प्राइमरी मेमोरी के भी 2 parts हैं, रैम एंड रोम. अभी आप पढ़ेंगे इनके बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. एंड देन रोम के 3 further parts हैं, पी रोम,
EEPROM and EEPROM. Okay, then secondary memory ke some parts given over here. Some devices like hard disk, SSD, CD, DVD, Blu-ray disk, pen drive to aapne suna hoga, memory card bhi suna hoga and cloud storage. So we are now learning about these things. So the first is primary memory. Primary memory is also called the main memory or internal memory. Jaise maine aapko bataya tha, primary memory kya hoti hai? Internal memory. And this is the main memory. It is built in memory designed to store data and instructions while a computer is working. Ye computer ke andar hi hai, right? It is a memory that is in the form of silicon chips and fixed on the electronic circuit board. Ye kis form mein hai? Silicon chips ki form mein hai, jo ek electronic circuit board pe fix hai. And it is called motherboard. Jo hum phone use karte hain, usme bhi hamare paas kya hota hai? Motherboard. Agar ye damage ho jata hai, to phone is not useful. Okay, the same way computer mein hamare paas kya hai? Ye motherboard, right? So motherboard present inside the CPU cabinet. Primary memory is of two types, RAM and ROM. I hope it's clear to you. Primary memory is the main memory, internal memory. ठीक है, ये किस form में store है? Silicon chips की form में. और किस पे fixed है? एक electronic circuit board पे, जिसको हम बोलते हैं motherboard. Okay, and it is of two types, RAM and ROM. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. So let's start. RAM means random access memory. It stores information temporarily and works like a blackboard that can be constantly overwritten with the new data. जैसे classroom में teacher blackboard use करते हैं, जैसे हमने एक chapter आपको करवाया है, तो हम कुछ लिखेंगे blackboard के ऊपर, then we have to erase it because we have to start something new. So same way RAM में भी क्या है, it stores the information temporarily and works like a blackboard that can be constantly overwritten with the new data. Means जिसके ऊपर data store है वो temporary time के लिए है, permanent नहीं है. ठीक है, the information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off. Suppose light चली जाती है या कंप्यूटर आपने बंद कर दिया है, तो जो उसमें आपने डेटा स्टोर किया था वो फिनिश हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज वोलाटाइल मेमोरी. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी. इट इज़ डायरेक्टली असेस्ड बाय द सीपीयू एंड नोन एज द फास्टेस्ट मेमोरी. वैसे ये सबसे फास्ट है कंप्यूटर सिस्टम में, दिस इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी. The most common RAM size that you can find on computers and laptop is 2 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB and so on. Okay, तो इनकी storage capacity दी हुई है हमें 2 GB, 4 GB, 8 GB and so on. So this chip, इन्होंने ये chip दिखाया हुआ है जो motherboard I am telling you, like silicon chips, ठीक है, एक electronic circuit के ऊपर ये fix है. राइट, कभी आपने अपना फ़ोन तो आपके पास नहीं है, बट लाइक पेरेंट्स फ़ोन, वैसे करना मत. इफ़ यू ओपन इट तो आप देखना उसमें लाइक दिस वी हैव. सो एक्स्ट्रा बाइट्स, व्हेन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम. एनी सॉफ्टवेयर दैट यू रन इज ऑल्सो लोडेड इनटू रैम. ओके, जो भी हम सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो किस में आएगा? रैम में. फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज read only memory, means ROM. It holds the startup instructions that prepare a computer for use. It also consists of programs that check the proper working of all the computer parts when you turn it on. The instructions stored in ROM cannot be changed, they can only be read. So unlike RAM, ROM is a non-volatile memory. ये fixed है,
इसको आप इरेज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ. जैसे जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो वी नो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, उसके पास ऑप्शंस आएंगी, तो वो क्या है, दैट इज़ रोम. वो ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हमें देनी है, मींस कंप्यूटर को. सो इट इज़ स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज ऑलरेडी, और इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ. अगर पावर चली भी जाती है तो इट रिमेन्स एज इट इज़. इन मोस्ट कंप्यूटर्स रोम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड BIOS, मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. ओके, सो देर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम. दे आर PROM, PROM. इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ मेमोरी चिप ऑन विच वी कैन स्टोर अ प्रोग्राम, बट वंस इट हैज़ बीन यूज वी कैनॉट इरेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और यूज इट टू स्टोर समथिंग एल्स. इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन. PROM मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें एक प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम स्टोर है जिसको हम यूज कर सकते हैं और उसको हम सिर्फ स्पेशल कंडीशन के अंडर ही यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट इरेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. ओके, सो द नेक्स्ट इज EPROM. EPROM means erasable programmable read only memory. We can erase its stored information by exposing it to ultraviolet light. EPROMs are cheap and reliable and hence they are widely used. इस पे हम जो स्टोर करते हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं, एंड दीज आर चीप एंड काफी यूज करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज EEPROM. EEPROM stands for Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. So, the information written on it can be erased using electrical signals. क्योंकि यहाँ पे क्या है, Electrically Erasable. यानी with the help of electric signals हम इसको erase कर सकते हैं, इसकी information को erase कर सकते हैं. I hope it's clear to you. So ROM के three types है. The first is PROM, then EPROM, and then double EPROM. Right? PROM means programmable read-only memory. EPROM means erasable programmable read-only memory. Then EEPROM means electrically erasable programmable read-only memory. Fine? Now let us do complete this table given below. Like 8 bits, they form 1 byte. So similarly, you can complete this table. Now secondary memory. The secondary memory is also called the auxiliary memory or external memory. As I told you, ये क्या होती है? External memory. It is used to store information for a longer period. जो इसमें हम स्टोर करेंगे वो एक हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. डेटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. द एक्सटर्नल मेमोरी इज असेंशियल बिकॉज द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. ओके, इट इज वेरी असेंशियल क्योंकि जो कंप्यूटर की है वो एक लिमिट है. ओके, तो इसलिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन यू रन अ प्रोग्राम इट इज कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी एंड इट टेक्स मोर टाइम टू असेस डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी. थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है डेटा को असेस करने में एज कंपेयर टू मेन मेमोरी. ओके, इट टेक्स मोर टाइम. कंप्यूटर हैज मैनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो. कंप्यूटर के पास काफी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हम अब डिस्कस करेंगे.
लाइक द फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. ये भी आपने देखा होगा हार्ड डिस्क. इट इज अ मेन सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द डिस्क. डिस्क के दोनों साइड डेटा स्टोर होता है. नाउडेज एक्सटर्नल ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर. अब जो अवेलेबल है मार्केट में वो थोड़ा सा उनका साइज स्मॉल है तो उसको हम कैरी कर सकते हैं ईजली. दीज आर कॉमनली यूज टू टेक बैकअप ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. हमने कंप्यूटर सिस्टम का बैकअप यानी उसकी जो स्टोरेज है उसको सेफ रखना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. हार्ड डिस्क कम इन वेरियस कैपेसिटीज. इनकी डिफरेंट कैपेसिटीज है लाइक 512 गीगाबाइट, 1 TB एंड सो ऑन. सो इट इज लाइक दिस. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इट इज वेरी मच क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज सोलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, सोलिड स्टेट ड्राइव. इट इज अ न्यू काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स. एक नए टाइप का है ये. SSDs replace traditional mechanical hard disk with flash-based memory, which is much faster. इनको असेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता as compared to hard disk. It speeds up computers significantly due to their short read assist time and high performance. इनको यूज़ करने पे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये टाइम कम लेते हैं डाटा को रीड करने में. जब डाटा रीड होगा तभी उसको असेस करेंगे. ओके, सो इट स्पीड्स अप कंप्यूटर सिग्निफिकेंटली ड्यू टू देयर शॉर्ट रीड असेस टाइम्स एंड हाई परफॉर्मेंस. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी आर कमिंग टू CD, कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क, CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. अ CD इज अ थिन शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा एंड मेजर 4.7 inches इन डायमीटर. जो CD का डायमीटर जो है दैट इज 4.7 inches और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है 700 MB. अ CD कैन होल्ड टेक्स्ट, graphics, sound, images and videos. It can be used for data backup and storing software. Okay, so we have done hard disk, SSD, solid state drive and CD, compact disk. I hope it's clear to you. Now, the next is DVD. DVD means the full form of DVD is digital versatile disc or digital video disc. It is an optical storage device used for data storage and recording movies with high quality video and sound. Though a DVD is similar to a CD in shape and size, but a DVD can store 6 times more data than a CD. देखने में ये सेम है लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो CD से 6 times ज़्यादा है. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB. ओके, नाउ ब्लू रे डिस्क. आप देख सकते हैं इसमें दिस फिगर ब्लू रे डिस्क. इट इज अनदर ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 25 GB ऑफ डाटा ऑन इट्स सिंगल साइड and 50 GB on its dual side. Its storage capacity is 5 times more than that of DVD. अब DVD से भी ज़्यादा किसकी है? Blu-ray disc की. पहले CD है, CD से भी ज़्यादा किसकी है? DVD की storage capacity. Now Blu-ray disc की DVD से भी ज़्यादा है. The size of a Blu-ray disc is similar to DVD or CD. Size is almost same. It is mainly used for storing high quality audio, video and games. This disc has derived its name from the blue
वॉयलेट लेजर दैट इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन इट. इसमें हम क्या यूज करते हैं, ब्लू वॉयलेट लेजर है जो डाटा को रीड करता है और राइटिंग में हेल्प करता है. तो दैट्स वाई इट्स नेम इज ब्लू रे डिस्क, बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर ब्लू वॉयलेट लेजर. ओके, नाउ दिस यू हैव सीन इन योर लाइफ. आप अपने फंक्शन में, जैसे स्कूल में फंक्शंस होते हैं या घर पे कोई फंक्शन है, तो अपने जो भी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, हम स्टोर कर लेते हैं. सो दैट इज द पेन ड्राइव. ओके, अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव. इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस. इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट टू असेस द डाटा स्टोर्ड इन इट. जैसे आजकल जो टीवीज हैं उसमें भी यूएसबी है, मींस जैसे एक प्लग लगाने के लिए हमें चाहिए, ऐसे ही उसमें यूएसबी है जहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं और उसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर भी, राइट. और कंप्यूटर पे तो इट इज़ आल्सो अवेलेबल. सो इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट एंड रिमूवेबल ड्राइव. ओके, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, जब उसको चलाना है उसको लगा देंगे, जब उसको नहीं यूज़ करना है देन यू कैन रिमूव इट. एंड इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. इसको हम यूज़ करते हैं, सपोज हमने कोई डाटा कॉपी करना है किसी कंप्यूटर से, लाइक सॉन्ग्स डालने हैं हम अपने पेन ड्राइव में, तो हम कंप्यूटर सिस्टम पे जाके उसमें से सॉन्ग्स निकाल के अपने पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं. A flash drive can store up to 1 TB of data. It is faster in accessing data and more reliable. Okay? So it is very good. Now, the next is memory card. A memory card is commonly used in portable devices like mobile digital cameras and music players. आजकल आपने देखा होगा हमारे फोन भी मेमोरी कार्ड होता है. So memory cards are available in various storage capacities ranging from 8 GB to 1 TB. Data stored in the memory cards can be transferred into a computer by using a memory card reader. A memory card is connected to a computer through the USB port. Generally laptop come with inbuilt card reader ports. Okay? So that is memory card like this. Okay, now the next is cloud storage. Cloud storage is a location where data is stored remotely. In cloud storage, you can store data using the internet. Okay, Google Drive hai, Microsoft OneDrive, Dropbox and Apple iCloud Drive are popular examples of cloud storage. Nowadays, people commonly use cloud storage to save and share data instead of using physical drives. आजकल ये ज़्यादा लोग use करते हैं instead of DVD or CD. Google Drive, इसमें आपके पास सारी information है, चाहे आप use करें Microsoft OneDrive. इंटरनेट के थ्रू आप इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है, यू कैन फाइंड इट. सो क्लाउड स्टोरेज गिव एक्सेस टू योर फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन. आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन फाइंड इट. इन द इवेंट ऑफ अ हार्ड ड्राइव फेलियर और अदर हार्डवेयर मालफंक्शन, यू कैन एक्सेस योर फाइल्स from the cloud storage. It acts as a backup solution for your local storage. इसमें हम अपना backup रख सकते हैं easily. Okay? So it is very important nowadays. आप देख सकते हैं इसमें they have given a picture like this. Okay? So now computer manner. Shut down your computer properly after finishing your work. आपका जब वर्क फिनिश हो जाता है आपको उसको शट डाउन करना होता है. डू नॉट स्विच इट ऑफ डायरेक्टली, इट मे नॉट स्टार्ट अगेन. फाइन, सो लेट अस रिवाइंड.
The set of characters like letters, digits, or special characters that represent raw facts or figures is known as data. When this data is processed by the processing unit, it becomes useful and known as information. जब डाटा को हम यूज़ करेंगे, प्रोसेस्ड करेंगे, तो ये क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज लोकेशन इन अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग. द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सीपीयू. द सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इट रिसीव्स थ्रू द इनपुट यूनिट्स एंड स्टोर्स इट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. A computer stores data in digital format, that is in the form of 0 and 1, where 0 represent off state and 1 represent on state. Primary memory is also called the main memory or internal memory. It is the built-in memory designed to store data and instructions while a computer is working. Secondary memory is also called the auxiliary memory or external memory. It is used to store information for a longer period. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. So, primary memory hum kab use kar sakte hain? Jab computer is working. Aur jo secondary memory hai, agar computer aapka off bhi hai, tabhi secondary memory jo hai, hum usko use कर सकते हैं. मतलब उसमें जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होगा. नाउ इट्स अ टाइम टू डू एक्सरसाइज. चेक योरसेल्फ. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन, द डैश इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड ड्राइव और स्टोरेज, सो दैट इज गूगल ड्राइव. द सेकेंड वन, डैश इज अ न्यू काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज इन कंप्यूटर और लैपटॉप. वॉट इज अ न्यू काइंड? दैट इज SSD. The third one, dash is a non-volatile memory, that is ROM, read-only memory. The fourth one, dash is used to read and write data on a Blu-ray disc. Kiski help se hum data read kar sakte? I told you, that is blue violet laser. Okay, and then the fifth one, dash stores the information temporarily and works like a blackboard. इसमें कौन सा जो है वो work like a blackboard? That is RAM. Because उसमें जो data है वो temporarily store होता है. So answer is RAM, right? Now B, filling the blanks. The first one, dash storage gives access to your files from anywhere with an internet connection. So that is cloud drive. So this is here cloud drive. उसमें हमें इंटरनेट चाहिए. The second one, the data is stored in computer's memory in the form of, किस फॉर्म में डाटा स्टोर होता है? बिट्स के फॉर्म में. और मेजर्ड इन, कैसे मेजर करते हैं हम? बाइट्स में. फाइन. एंड द थर्ड वन, द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Main memory and auxiliary memory. The fourth one, dash and dash are primary memory. RAM and ROM are primary memory. A flash drive is also known as, किसको हम बोलते हैं flash drive? Pen drive को. Fine. Now C, complete the chart given below. Here computer memory given, इसके two parts हैं. So one is primary, one is secondary. फिर primary के आगे कितने parts आ जाएंगे? Two, RAM and ROM. और फिर ROM को हम divide कर देंगे PROM, PROM. One is given EPROM and the third is EEPROM. Okay, ऐसे secondary memory के अंदर क्या आएगा? Hard disk आएगा, डीवीडी आएगा, सीडी आ गया, पेन ड्राइव आ गया. पेन ड्राइव इज गिवन ऑलरेडी, वी कैन राइट ओवर हेयर. क्लाउड स्टोरेज भी गिवन है. और हमारे पास क्या है? एसएसडी है, मेमोरी कार्ड है. सो द लेफ्ट वन वी कैन राइट
Fine, we can do it. Okay. So now D, right, true and false, you can try on your own. Now E part, answer the following question. The first one, what is computer memory? Computer memory is what? It is the storage location where we can store our data, our instructions, our information. Okay, and then we can access it by CPU. And computer memory is of two types, primary, that is main, and secondary, that is external. And you know, primary is the main memory, means inbuilt memory computer ke andar hi hai, aur external jo hai wo computer ke bahar hai, usko hum store kar sakte hai in different devices. So like this you can write in your own language. Now the second one, differentiate between RAM and ROM. First write their full form, random access memory and read only memory. Random access memory, it is the temporary memory, it works like blackboard, and CPU access it, it is fastest. And read only memory jo hai, it is inbuilt in computer. When computer is switched off, it remains in the computer. Okay, jo computer work karta hai wo kiski help se karta hai? ROM ki help se. It gives the commands, it gives the instructions how to start, how to work. Okay, so read only memory, it has three types, PROM, EPROM and EEPROM, right? Now the third one, distinguish between the primary memory and secondary memory. Primary memory is the internal memory and secondary memory is the external memory. Its speed is faster than the secondary memory, okay, and it is inbuilt. ये कंप्यूटर के अंदर ही है, रोम एंड रैम, और सेकेंडरी जो है वो कंप्यूटर के बाहर है, एक्सटर्नल है. इसके क्या डिवाइसेस हैं? हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, क्लाउड स्टोरेज है, और भी है, ब्लू रे है, आपके पास मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है. तो आप ऐसे इसको आंसर कर सकते हैं. लाइक हेयर यू हैव सीन, here primary memory is called the main memory or internal memory. It is built in memory designed to store data and instructions while a computer is working. And the secondary memory is also called the external memory. It is used to store information for a longer period and data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. So I hope it's clear to you. Now the next is, list any two benefits of cloud storage. Cloud storage means by internet we can use the information. और आजकल आप देख सकते हैं इसकी जो cost है वो भी ज़्यादा नहीं है, everyone can avail it. Okay, and जो आपके पास data है उसकी जो security है, secure रहता है. अगर वो data lost भी हो गया तो उसको हम दोबारा से ले सकते हैं. बट अगर हार्ड डिस्क खराब हो गई है या डीवीडी या पेन ड्राइव खराब हो गई तो वो जो डाटा है आपके पास दोबारा से नहीं आएगा. बट इन केस ऑफ क्लाउड स्टोरेज इट इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट. ठीक है, इसमें आप फटाफट आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट आर मेमोरी कार्ड्स. तो मेमोरी कार्ड्स भी हमने किया है. मेमोरी कार्ड्स लाइक आई टोल्ड यू वी यूज इन मोबाइल फोन्स, camera and music player. It is commonly used in portable devices and these are available in various storage capacities. Inki jo storage capacities hai wo kya hai? 8 GB to 1 TB. Okay, and data stored in the memory cards can be transferred into a computer by using a memory card reader. So you can write 2 or 3 lines about memory card. Okay, I hope it's clear to you. If any doubt, any problem, we can discuss it and you can go through this chapter once again. It's very interesting and easy. So, thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.